दोस्तों अगस्त के महीने में बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जो कि 40,000 के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 3 लैपटॉप्स जो कि 40,000 के अंदर आते हैं और आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आदित्य एंड यू आर वॉचिंग आज के भी। दोस्तों बात करें हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे लैपटॉप आता है उसके बारे में, तो वो है लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। इसकी जो कीमत है दोस्तों वो है 35,650 रुपया। ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। इस लैपटॉप की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की दी है, तो उसको एक बार जरूर चेकआउट करना। बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें आपको 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर मिलता है। बात करें इसकी डिस्प्ले साइज की, तो ये लैपटॉप आपको 14 इंच यानी 35.5 सेंटीमीटर के फुल HD स्क्रीन में मिल जाता है। ये जो लैपटॉप है दोस्तों थिन एंड लाइट कैटेगरी में आपको मिल जाता है, जिसका वजन है 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम। ये काफी एक अच्छा आइडियल लैपटॉप होगा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए। तो बात करें इसकी पोर्ट्स के बारे में, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाते हैं 3 USB पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट, और इसमें आपको कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आजकल जितने भी लैपटॉप्स मार्केट में आते हैं उनमें से आपको वो जो ऑप्टिकल ड्राइव है वो रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि आजकल जो है वो CD ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो पेन ड्राइव या जो इसका USB पोर्ट में आप पेन ड्राइव डालते हैं उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो जो ऑप्टिकल ड्राइव है उसको कंपनी निकाल रहा है अपने लैपटॉप को थिन बनाने के लिए। बात करें इसकी रैम की, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा 8GB का रैम। जी हाँ, इस पे आपको 8GB रैम के साथ 256GB का SSD मिल जाता है, जिसको आप कोई भी एक्सटर्नल HDD या फिर SSD लगा के एक्सपांड भी कर सकते हैं। बात करें इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है विंडोज का 10 होम एडिशन। जी हाँ, इस लैपटॉप में आपको आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 10 होम एडिशन मिल जाता है। आपको इसको बाहर से इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें इसकी ग्राफिक्स की, तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा इंटेल का UHD ग्राफिक्स। जी हाँ, ये ग्राफिक्स आपको हेल्प करेंगे जब आप इंटेंस गेमिंग करते हैं या फिर फोटोशॉप वगैरह करते हैं, तो जो ग्राफिक्स का काम है इस लैपटॉप में आपको बेहतर मिल जाएगा। इसका जो कलर है दोस्तों वो आपको सिर्फ एक ही कलर में मिल जाता है, जो कि है ग्रे। ये लैपटॉप आपको सिर्फ ग्रे कलर में ही मिल जाता है, बाकी कोई भी कलर में इस लैपटॉप को आप नहीं खरीद सकते। बात करें इसकी वारंटी की, तो ये लैपटॉप में आपको 2 साल की कंपनी वारंटी मिल जाती है, जिसको आप कहीं भी नियरेस्ट लेनोवो के सर्विस सेंटर में जाके क्लेम कर सकते हैं। बात करें हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे लैपटॉप आता है उसके बारे में, तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों ये आता है ASUS की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है ASUS VivoBook 14 2020। जी हाँ, इतना बड़ा नाम है इसका। तो इसका जो प्राइस है वो निकल के आ रही है 40,000 रुपीज़ यानी कि 40,000 रुपये। 40,000 पे आप इसको Amazon से खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो प्रोसेसर है दोस्तों वो भी पहले लैपटॉप की तरह इंटेल का 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर पे बेस्ड है, और जो डिस्प्ले साइज है वो भी सेम है 14 इंच यानी कि 35.5 सेंटीमीटर फुल HD डिस्प्ले। ये जो लैपटॉप है दोस्तों ये भी आपको थिन एंड लाइट कैटेगरी में मिल जाएगा। बात करें इसकी पोर्ट्स की, तो इस लैपटॉप में आपको 3 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें 2 है USB 2.0 और 1 है USB 3.0। एक और अच्छी बात, इस लैपटॉप में आपको USB टाइप सी मिल जाता है। जी हाँ, USB टाइप सी, जो कि थंडरबोल्ट तो नहीं है पर आप इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस टाइप सी पोर्ट के जरिए आप लैपटॉप को चार्ज तो नहीं कर सकते लेकिन फाइल को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। बात करें इसकी रैम की, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा 4GB का रैम, वो भी DDR4 की। तो जो SSD है उसका ये है 256GB की NVMe SSD। जी हाँ, वो जो ऑर्डिनरी SSD होते हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं ये NVMe SSD के मुकाबले, तो इस लैपटॉप में आपको वो NVMe SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स की बात करें, इस लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है। जी हाँ, इसका मतलब इसका जो प्रोसेसर है इसके अंदर ही आपको ग्राफिक्स का जो मॉड्यूल होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। OS जो है इसका दोस्तों वो है विंडोज 10 होम एडिशन,
यहाँ पे भी आपको बाहर से विंडोज इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स इस लैपटॉप में विंडोज 10 का सपोर्ट मिल जाएगा। बात करें इसकी कलर्स की तो दोस्तों ये लैपटॉप भी एक ही कलर में आता है जो कि है सिल्वर कलर। आप इसको सिर्फ एक ही कलर में परचेज कर सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है एक थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी में। दोस्तों इसमें भी आपको कंपनी एक साल की वारंटी प्रोवाइड कर देती है जिसको आप नियरेस्ट एसो सेंटर से जाके क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों बात करें जो पहले नंबर पे लैपटॉप आता है हमारे लिस्ट में उसके बारे में तो वो है एसर का एस्पायर 5। जी हाँ, इसका जो प्राइस है वो थोड़ा 40,000 से ऊपर है लेकिन आपको ऑफर्स डिस्काउंट्स में वो 40,000 के नीचे आपको मिल जाएगा जिसकी कीमत है 41,990। इस लैपटॉप को हमने हमारे लिस्ट में एक नंबर पे रखने का बहुत सारे रीज़न है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो इंटेल का 11th जनरेशन का i3 प्रोसेसर है। जी हाँ, आपको यहाँ पे 11th जनरेशन का i3 प्रोसेसर मिल जाता है। स्क्रीन साइज भी इसका दोस्तों बाकी दो लैपटॉप से ज़्यादा बड़ा है। इसका जो स्क्रीन साइज है वो है 15.6 इंच का। जी हाँ, आपको इसमें वो 14 इंच से ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जो कि है फुल HD डिस्प्ले। दोस्तों इसका जो रैम है ये इसका खासियत है। जी हाँ, इसमें तो कंपनी आपको 8GB का रैम दे देता है लेकिन आप इसको एक्सपैंड करके अप टू 20GB, जी हाँ 20GB तक आप इसको बढ़ा के आगे ले जा सकते हैं। और इसका जो रोम है दोस्तों वो 256GB का आता है, फिर भी आप इसको एक्सटेंड करके अप टू 512GB तक बढ़ा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको एक बहुत ही तेज इंटरनेट प्रोवाइड करने में मदद कर देता है। इसका जो पिंग रहता है दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग करते समय वो भी काफ़ी लो रहता है। तो आपको ये सब देख के पता चल ही गया होगा इसका प्रोसेसर 11th जनरेशन का है, रैम आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वाईफाई 6 का सपोर्ट। तो इन सभी चीज़ों को आप अगर देखोगे अच्छे से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लैपटॉप है दोस्तों ये गेमर्स के लिए है। जी हाँ बिल्कुल, इस लैपटॉप आप अगर थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं तो इस लैपटॉप को ज़रूर चेकआउट करना। ग्राफिक्स जो है दोस्तों इस लैपटॉप में आपको इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। OS जो है वो भी विंडोज 10 का होम एडिशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो कंपनी एक साल की आपको वारंटी प्रोवाइड कर देती है जो कि आप नियरेस्ट एसर के सर्विस सेंटर में जाके क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ टॉप 3 लैपटॉप्स अंडर द बजट 40,000 इन अगस्त 2021। तो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।